मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, इस पे जरा सर्च आउट करें कि क्या होने क्या वाला है इंसानियत के साथ। मशीन्स आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, तो क्या हम सारे मशीन्स बन जाएंगे और टर्मिनेटर्स हम पे हावी हो जाएंगे? वैसे तो टर्मिनेटर हावी हो चुके हैं, स्मार्टफोन को मैं टर्मिनेटर ही समझता हूँ। हु हैव एक्चुअली टर्मिनेटेड आर ह्यूमैनिटी एंड हु आर एक्चुअली कन्वर्टिंग अस टू मशीन्स एज वेल। ओके, ज़ॉम्बीज, इनसेंसिटिव पीपल हु हैव अ वेरी मायोपिक विजन, छोटा सा विजन है उनकी, बस यही सोच है कि खा ले पी ले जी ले, और किसी का उन्होंने नहीं सोचना। और यू कैन टेस्ट इट, आप ये बच्चों से पूछ लें, ओए लेवल्स के बच्चों से, कि बेटा तुम्हारी अम्मी या अब्बू कौन सी मेडिसिन खाते हैं? अगर खाते हैं, उनमें से शायद चंद एक को पता, क्योंकि ना कभी खिलाई है ना कभी ला के दी है, क्योंकि विजन यही है ना कि बस माँ नौकरानी है, बाप एटीएम की मशीन है। असल में तो यही हो रहा है, और ये भी क़यामत के साइंस हैं। अभी आगे आ रहा है कि जब स्लेव गर्ल अपने आका को, when the slave woman will give birth to her master, then wait for the hour. क्या मतलब है कि औरत जो है वो नौकरानी होगी और वो अपने आका को जन्म देगी? और ये हम आज देख रहे हैं कि औलाद ने अपने माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ यही समझ लिया है कि ये पैसे देने की मशीन है और ये जो माँ है ये बस मेरी खिदमत करने की मशीन है। That's the vision. When my nation does 15 practices, calamity befalls it. It was asked, and what are they, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? जब मेरी उम्मत 15 चीज़ें प्रैक्टिस करेगी तो फिर उन पर क्लैमिटी आएगी, उन पर फितना आएगा, उन पर प्रॉब्लम्स आएंगी। वो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने जो रेलिवेंट लिस्ट है वो निकाली है। इसमें ज़कात ना देना है, इसमें झूठी गवाही ना देना है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। When a man obeys his wife but disobeys his mother, when a man treats his friend well but is harsh and distant with his father, subhanallah. Yani baap baat kare to gussa chade, friend baat kare to bahut khushi se jawab de. Baap sirf ye pooch le ke beta aaj kya kiya, kya haal hai, to us pe gussa chadne lage. Baap driving ke duran seat pe baith jaye, waise kuch questions karne lag jaye, kuch samjhane lag jaye, to gusse se chehra laal ho jaye aur baap ko gusse se jawab diya jaye. Lekin koi dost saath baitha hai to phir chehra khila hua hai और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत शुगर लग रहा है। सो वी आर सीइंग ऑल दीज थिंग्स टुडे। और याद रखें कि ये बात बार बार मैं कहता हूँ कि एक फॉर्मूला है लाइफ का, और ये मैंने खुद विटनेस किया है कि द क्विकेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ इज टू स्टार्ट मिसबिहेविंग विद योर मदर। जिस औलाद ने माँ से बदतमीजी शुरू कर दी, देन ही और शी शुड काउंट हर डेज और हिज डेज। फिर वो बस डेज को काउंट करे कि कब तबाही आती है मेरे ऊपर। और ये लाइफ का एक फॉर्मूला है। एंड सेम गोज फॉर फादर एज वेल, कि जब फादर की बातों पे गुस्सा चढ़ने लगे और हम उनको टाइम भी ना दें, देखे ना कितना गैप है, कल्चरल गैप है। उनको स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना आता, उनको विंडो इंस्टॉल नहीं करनी आती, उनको लैपटॉप यूज़ नहीं करना आता, तो हम दोस्त की विंडो इंस्टॉल करने तो रात को 2 बजे भी पहुँच जाएँ, लेकिन वालिद मोहतरम अगर वैसे ही कह दें कि बेटा ज़रा मुझे भी कुछ सिखा दो, तो हमें गुस्सा चढ़ने लगे और वो हमारे गुस्से को फील करें और सोचें कि उनका कितना दिल दुखता होगा कि ये क्यों मुझसे ऐसे बात करता है, मैंने आखिर इसको कह क्या दिया है, मैंने आखिर इससे क्या, इसका बिगाड़ क्या दिया है। सो दैट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट।